नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। जेदा में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन में कई दिलचस्प बातें हुईं। इस बार टीमों ने इंडियन प्लेयर्स पर सबसे ज्यादा दांव लगाया है। सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। आइए जानते हैं उन 5 प्लेयर्स के बारे में जो इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में पहला नाम है भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का। वो आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। उनके लिए सबसे पहले बोली लखनऊ ने लगाई थी, फिर उसके बाद आरसीबी ने भी बिड लगाई। इसके बाद हैदराबाद और लखनऊ के बीच बिडिंग वॉर हुई, लेकिन आखिर में बाजी लखनऊ ने मार ली और ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दिल्ली ने उनके लिए आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करने का सोचा था, उन्होंने पैडल उठाया था। इसके बाद एलएसजी को एक प्राइस बताना था, उन्होंने पंत की बोली 27 करोड़ लगाई। ये बोली देखने के बाद दिल्ली पीछे हट गई और उन्होंने ऋषभ के लिए आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उनको पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा। अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच शानदार बिडिंग वॉर देखने को मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उनमें इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन टीम ने जल्दी अपने हाथ खींच लिए थे। अय्यर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। आईपीएल 2025 ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर उनकी ही पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने वापस खरीद लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स भी लगातार इस युवा ऑलराउंडर के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए उनकी बोली इतनी आगे चली गई। वेंकटेश अय्यर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। इस तरह अय्यर को 11 गुना ज्यादा रकम मिल गई। सबसे महंगे प्लेयर्स की लिस्ट में चौथा नाम भी एक भारतीय प्लेयर का ही है। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले अर्शदीप सिंह को 15.75 करोड़ रुपए की कीमत पर सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था, लेकिन उनकी पुरानी टीम पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 25 वर्षीय पेसर को 18 करोड़ रुपए में अपने साथ दोबारा जोड़ लिया। आइए अब जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन में 5वें सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में। स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। युजवेंद्र चहल का नाम ऑक्शन के दूसरे सेट में आया था। चहल पर ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम ने भी बोली लगाई थी, लेकिन पंजाब की टीम ने सबसे बड़ी बोली लगाकर चहल को अपने साथ जोड़ लिया। चहल ऑक्शन में 2 करोड़ के बेस प्राइस पर उतरे थे और किसी को उम्मीद नहीं थी कि चहल पर इतनी बड़ी बोली लगेगी। पिछले सीजन में चहल राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। इस तरह युजवेंद्र चहल आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय स्पिनर भी बन गए हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहें आज तक एआई।